हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल ऑफ May 21 एग्जाम, बिकॉज ये जो बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली May 2021 एग्जाम के लिए है। प्रदीप, तन्वी, हरिओम, संतोष, मानसवी, कैन आई नो आप लोग भी May 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोग? एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर May 21। आर यू एबल टू लिसन? आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो? चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन यू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएमए फाउंडेशन? कितने लोग हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? और एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन ओनली? आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे एक आप लोगों के साथ ये समझ में आएगा कि यस आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू। एक बार जस्ट आप लोग मैसेज करके मुझे बता दें कि आर यू एबल टू। एवरीवन थोड़ा सा एक मुझे बताएंगे आप लोग कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर May 21 एग्जाम एंड फॉर सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन, जस्ट लेट मी नो। ओके चलिए फाइन। आई एम आई थिंक सो कि आप लोगों के साथ वेदर आर यू एबल टू। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को, दैट इज सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो सिलेबस है हमारा, एज आई दैट इज ये जो हमारा आज हम स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं, सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन दोनों का मोर और लेस सिलेबस सेम ही है। ओके बट अभी मैं आपके साथ एक सीए फाउंडेशन में जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है उसको डिस्कस करता हूं। इंस्टीट्यूट ने किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया है वो हम आज बात करेंगे, और अकॉर्डिंगली हमको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर्स आपने 11th 12th में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर इन केस इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट तो आपको ऑल टुगेदर सब कुछ ही नया रहेगा। लेकिन
अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो आपको एक आइडिया लगेगा कौन से चैप्टर्स आपने 11th 12th में पढ़े हैं और क्या नया है जो आपको अभी पढ़ना है। ओके तो चलिए अभी एज यू ऑल नो कि अकाउंट्स का जो पेपर होता है ये आपके चारों सब्जेक्ट्स में सबसे पहला पेपर दैट इज होता है 100 मार्क्स के लिए एंड दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर दैट इज एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहता है। दैट मींस आपको क्वेश्चन आंसर्स को पूरा प्रैक्टिकली जैसे आप 11th 12th में सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको अभी सॉल्व करना है ये पेपर को। और दैट इज 100 मार्क्स के लिए एक पैटर्न पहले से बना हुआ है कि इंस्टीट्यूट का आईसीआई ने कि यस ये कैसा पैटर्न रहेगा पेपर का। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ट्रू और फॉल्स होते हैं उसमें और बाकी का तो वो दैट वी विल डिस्कस एनी अदर डे। लेकिन अभी फिलहाल तो आज हम अपने चैप्टर्स मेनली कौन कौन से हैं उस पर फोकस करते हैं। इन केस आपकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं तो आई विल आंसर योर डाउट और क्वेरी। तो हाउ मच सेशंस विल बी टेकिंग, वी विल बी टेकिंग फॉर एवरी पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके ना, जो चैप्टर वन है हमारे सिलेबस का दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के नाम से इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में रखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और ये जो पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ओके ये आपका पूरा थ्योरेटिकल जो अकाउंटिंग का दैट इज इट इज स्टार्ट्स विथ अकाउंटिंग का डेफिनेशन, बुककीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रांचेस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अलग अलग स्ट्रीम से कंपैरिजन, सो ये सब पूरा आपको इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी, फिर अकाउंटिंग का प्रोसेस तो हम नेक्स्ट उसमें डील करेंगे। लेकिन इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स क्या है। ओके तो दीज आर द चैप्टर्स कवर्ड इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, पूरा थ्योरेटिकली आपको कवर किया है फर्स्ट चैप्टर में। एंड यूजुअली इफ यू विल सी तो इसको एक 5 to 10 मार्क्स का वेटेज आईसीआई ने दिया है, मतलब आपको इस चैप्टर के ऊपर 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके तो बेसिकली दिस इज अ प्योर थ्योरी जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स का प्योर थ्योरी, तो दैट इज इन दिस पार्ट। ओके सो फर्स्ट चैप्टर इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। नाउ सेकंड जो चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस में आप अगर देखोगे तो दैट इज जो हमारा बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट होता है जर्नल से, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन। ओके दिस इज होल कवर्ड अंडर अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ये आपको अकाउंट्स के बेसिक में यू विल बी दैट इज व्हेन यू विल बी डूइंग दिस अकाउंटिंग प्रोसेस तभी आप पूरा अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट क्या और कैसे होता है। ओके तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर स्टडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके सो अकाउंटिंग प्रोसेस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इट कवर्स एज आई टोल्ड यू जर्नल से लेकर लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। देन ए ऑल टुगेदर अगर आपको याद होगा 11th में जब आप होते तो एक चैप्टर आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके तो दिस इज ऑल्सो पार्ट एक्चुअली सेकंड थर्ड दैट इज जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, बीआरएस और डेप्रिशिएशन और इन्वेंट्री, ये चारों को मिलाकर इंस्टीट्यूट कहता है 25 to 30 मार्क्स का एक वेटेज इन चारों पर है। इसीलिए देखिए मैंने लिखा है 2 3 4 5 जो चैप्टर्स हैं चारों मिलाकर आपके 25 to 30% आपका
सिलेबस कंसिस्ट होता है. ओके, तो फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, सेकंड इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थर्ड इज आपका इन्वेंट्रीज एक चैप्टर दैट इज स्टॉक. हम इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री. आज तक आपको यह तो मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको पता रहता है कि दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, इन्वेंट्रीज चैप्टर में. ओके, सो ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए गुड चैप्टर. प्रैक्टिकली आप जब लाइफ में जाएंगे आगे ऑडिट्स करने और तो आपको स्टॉक टेकिंग करना होता है, तो वो सब आप इस प्रोसेस इन्वेंट्रीज के चैप्टर में वो पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं. ओके, सो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है इन्वेंट्रीज. नाउ डेप्रिशिएशन, ऑल यू ऑल नो वेरी वेल, डेप्रिशिएशन एक अगेन बहुत कॉमन टॉपिक है. दैट इज एसेट्स का जब हम यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पर्टिकुलरली जो हम बोलते हैं, दैट इज जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं, उनकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, तो वी यूज द वर्ड डेप्रिशिएशन. सो डेप्रिशिएशन इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमारे एक्सपेंसेस. दैट इज आपने चूंकि मैचिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो आपने जो एसेट्स का यूज किया उसका चार्ज आपको पीएनएल में लगाना पड़ता है, और वो वर्ड हमने यूज किया डेप्रिशिएशन. आपको याद होगा डेप्रिशिएशन को ही हम अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स और इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज द वर्ड डिप्लीशन. तो अलग अलग वर्ड्स डेप्रिशिएशन के लिए यूज होते हैं, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, और बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड्स. कितने मेथड्स हैं इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम. और आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है अगर बाय चांस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके अलावा भी आप तीन चार नए मेथड्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो ये हमारे कैरिकुलम में अगेन जैसे इन्वेंट्री पूरा नया है, वैसे डेप्रिशिएशन में भी काफी कुछ नया है. प्लीज फील फ्री टू सेंड योर मैसेज. अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका होगा तो. Now after that is depreciation, that is जो हमारा second, third, fourth, fifth unit जो मैंने आपके साथ discuss किया, that is accounting process, जिसमें mainly rectification, BRS, inventories और depreciation, ये चार मिलाकर आपके 25 to 30 marks का syllabus होता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्पेशल ट्रांजैक्शंस. दे इन अकाउंट्स सम ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज स्पेशल ट्रांजैक्शंस, और ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस के नाम से उन्होंने ये पूरा यूनिट बनाया और इसको वेटेज दिया 15 टू 20 मार्क्स. ओके, सो स्पेशल ट्रांजैक्शन हैज बीन गिवन 15 टू 20 मार्क्स. उसमें एक आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ नया है. जैसे आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना है, अकाउंट करंट एक चैप्टर है, कंसाइनमेंट एक चैप्टर है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल एक चैप्टर है, तो ये पूरा सब कुछ नया है. बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक पुराना चैप्टर है, बाकी अदरवाइज ऑल द चैप्टर्स आर ऑल टुगेदर न्यू. ओके, सो दिस इज अगेन ए इंटरेस्टिंग पार्ट, स्पेशल ट्रांजैक्शंस. आप क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स पहली बार पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एंजॉइंग इन दीज चैप्टर्स, और छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, सो 15 टू 20 मार्क्स का सिलेबस कंसिस्ट होता है इन स्पेशल ट्रांजैक्शंस. एंड ऑफकोर्स इन स्पेशल ट्रांजैक्शन में कंसाइनमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बिकॉज कंसाइनमेंट जो पर्टिकुलर चैप्टर है दैट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, बिकॉज उसका एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलता है, प्लस
थोड़ा सा लेंदी भी है बाकी चैप्टर्स से, तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। गुड्स ऑन अप्रूवल, दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। कंसाइनमेंट, एज आई टोल्ड यू, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर। एवरेज ड्यू डेट, इन शॉर्ट वी कैन से एवरेज ड्यू डेट, दैट इज एडीडी। एंड अकाउंट करेंट, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन। पांच चैप्टर्स आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन में क्या क्या, एक बार वापस सुने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ओके। तो डेफिनेटली जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको सब पता चलेगा, बट एक छोटा छोटा आइडिया आपको मैं दे सकता हूं। एवरेज ड्यू डेट में हमको एक डेट कैलकुलेट करना होता है, एवरेज डेट तो पता है आपको ड्यू डेट, लेकिन आपको एवरेज करना है उसका। अकाउंट करंट में हमको एक लेजर बनाकर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी शो करना है। कंसाइनमेंट में एजेंट के थ्रू जब हम सेल करते हैं तो दैट इज एक्चुअली नोन एज कंसाइनमेंट, तो वो कंसाइनमेंट का प्रोसेस हमको अकाउंटिंग करना है। देन आफ्टर दैट गुड सेंट ऑन अप्रूवल, इफ यू रिमेंबर 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स में भी एक ऐसा एडजस्टमेंट आता है कि हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं और वो अप्रूवल कस्टमर जब देता है तो हम सेल ट्रीट करते हैं, तो दैट इज ऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब आप गुड सेंट ऑन अप्रूवल जब करेंगे तब आपको वहां भी पता चलेगा। और उसके बाद एज आई टोल्ड यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपका पुराना ही चैप्टर है जो आपको पहले से पता है, ओके। सो दिस इज ऑल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। एंड इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, देखिए अभी तक जो चल रहा था वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और थोड़ा कम कम वेटेज आपको मतलब सब चैप्टर्स का मिलेगा, 5-10 मार्क्स का यूजुअली। बट अब जो चैप्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लीज, ओके। तो ध्यान दीजिएगा इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। अगर आप ये इंपॉर्टेंट ये जो मैं अब बताने वाला हूं, अगर आप ये सब चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से तो आपके 50-60 मार्क्स की गारंटी तो इन्हीं चैप्टर्स से हो जाता है। बाकी जो अभी हमने सिलेबस देखा, छोटे छोटे चैप्टर्स और अकाउंट्स की थ्योरी, वो है, प्लस ये जो चैप्टर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं आपके सिलेबस का, ओके। तो इसमें एक आता है आपका ऑल टाइम चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स नहीं है, प्रोप्राइटर के, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स, जो आपने शायद, अगर आप 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, तो 11th आपने फाइनल अकाउंट्स जो बनाया है बस उसी का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसलिए बिकॉज जो वहां आपने किया और जो इधर आपको करना है प्रोफेशनल एग्जाम्स में, उसका लेवल का बहुत डिफरेंस है, ओके। तो यू आर गोइंग टू सी फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट आपको कैसे बनाना, वो आप इस चैप्टर में दैट इज एक लॉजिकली पढ़ने वाले हैं। और एडजस्टमेंट्स का लेवल भी इधर बहुत ज्यादा होने वाला है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ये देखिए सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप और एनपीओ, ये तीनों को मिलाकर 30-40 मार्क्स का वेटेज यू विल फाइंड ऑलवेज। अगेन पार्टनरशिप, दिस इज ऑल्सो ए 12th क्लास टॉपिक, और इधर भी आपको लेवल ऑफ पार्टनरशिप में जब आप करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो अगेन पार्टनरशिप इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स में दैट इज तीन चार चैप्टर्स अलग अलग है, दैट इज आपको पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, एक नया पार्टनर आता है तो क्या होगा, एक पार्टनर जाता है रिटायरमेंट होता है, और अगर किसी पार्टनर का डेथ होगा तो क्या होगा, और इसी बीच में आप एक और टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो दैट इज नोन एज
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आफ्टर पार्टनरशिप, अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव इज नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट, और इसीलिए दैट इज चूंकि ये हमारे फाइनल अकाउंट्स से थोड़ा सा हटकर, दैट इज आपको फाइनल अकाउंट्स इसमें भी बनाना है लेकिन नॉर्मल फाइनल अकाउंट से हटकर, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग और नया होता है, और दैट इज द रीजन वाई फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन आप हमेशा इस टॉपिक पर आपको मिलेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट, पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स, ये तीनों मिलाकर आपको 30 टू 40 मार्क्स का सिलेबस कंसिस्ट होता है। मतलब ये पक्की बात है कि ये वो टॉपिक्स हैं जहां आपसे 15 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। पार्टनरशिप में, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनल अकाउंट्स में 10 टू 15 या 20 का भी कभी कभी। ओके, तो डिपेंड करता है, ये तीनों को वो लोग वेटेज देते हैं 30 टू 40 मार्क्स का। तो इसी ये जो वेटेज है, ये जो कैरिकुलम है, ये जो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, दैट इज इंस्टीट्यूट का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस का पैटर्न है। ओके, एंड फाइनली कमिंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। तो ये आपके सिलेबस का लास्ट एक चैप्टर हो जाता है, कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स मतलब आपका पूरा कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करना, दैट इज आप जब कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हाउ द अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड, शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इश्यू, डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर का इश्यू है, रिडम्पशन नहीं है। तो ये इतना सिलेबस आपको कंपनी में कवर किया। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ऑफ 12th क्लास, लेकिन अगेन लेवल ऑफ दैट इज जो आप 12th में पढ़ते हैं और जो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए लेवल है, उसका एक डिफरेंस हमेशा आपको रहेगा। ओके, यू विल ऑलवेज फाइंड। तो एक एक कोई भी टॉपिक हो, चाहे वेदर इट इज कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे फाइनल अकाउंट्स हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, देखिए सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको सुने हुए वर्ड्स लगते हैं और कुछ चैप्टर्स आपके पढ़े हुए भी हैं, लेकिन अगेन वही बात है, लेवल ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा है जो 11th 12th लेवल पर होता है और जो अभी आपको इस लेवल पर पढ़ना है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ए प्रोफेशनल एग्जाम, बिकॉज आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकता है इन चैप्टर्स में से। So you have to from the zero level, that is a scratch level से up to the higher level, that is आपको best level of the questions भी करने होते हैं। Okay? So company usually 10 to 15 marks का एक question बनता है company पर, या छोटे छोटे दो तीन questions भी वो आपसे पूछ सकते हैं company से related। मतलब minimum 10 marks का weightage you will always find on company accounts। यस प्लीज, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स, कोई क्यूरीज रिगार्डिंग सिलेबस
तो फिर मैं आपके वो डाउट और क्वेरी को डिस्कस करता हूं, और अदरवाइज नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप जब अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछेंगे तो शायद मुझे भी एक बेटर ये फीलिंग आएगा कि यस, मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूं और मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज को समझ के क्लियर कर पा रहा हूं, तो आपको भी शायद एक इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज। किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस? ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए दिस विल टेक 4 to 4.5 months। समथिंग अराउंड 4.5 months इज रिक्वायर्ड मिनिमम टू कंप्लीट दिस होल सिलेबस। ओके, सो दैट मीन्स अगर हम अक्टूबर मिड, वी कैन से दैट कि अक्टूबर मिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी वी विल बी इन ए पोजिशन टू कंप्लीट द होल सिलेबस।